हिमाचल प्रदेश के हर गांव शहर की ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़िए टुडे हिमाचल के साथ। यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए टुडे हिमाचल चैनल को, फेसबुक पर फॉलो कीजिए और पल पल की खबरों के लिए सर्च कीजिए www.todayhimachal.com। आपका विश्वास हमारी पहचान। हिमाचल कैबिनेट बैठक, जयराम सरकार कर्मचारियों पर मेहरबान, छठे वेतन आयोग के लिए 15% पर लगाई मोहर। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के लिए छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू कर दी। कर्मचारियों को वित्तीय लाभ में किसी प्रकार का व्यवधान ना हो, इसके लिए 3 ऑप्शन प्रदान किए गए हैं। 15% के ऑप्शन को सरकार पहले लागू कर चुकी है, लेकिन मंत्रिमंडल की मंजूरी आज ली गई। सरकार ने 2.25 और 2.59% की ऑप्शन प्रदान की थी। इस ऑप्शन से कर्मचारी खुश नहीं थे। लंबे समय तक कर्मचारी इसका विरोध करते रहे और नए ऑप्शन चाहते थे। सरकार ने पंजाब के तर्ज पर कर्मचारियों को 15% की ऑप्शन प्रदान की। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 3 जनवरी 2022 को प्रदेश के कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ प्रदान किया था। चालक को नींद की झपकी आने पर बजेगा अलार्म, खुद बंद हो जाएगी गाड़ी। रात को नींद की झपकी की वजह से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं पर अब रोक लग सकेगी। चालक को नींद की झपकी आई तो अलार्म बजेगा और गाड़ी खुद ब खुद ही बंद हो जाएगी। इसके लिए ड्राइवर स्लीपिंग सेंसर तैयार किया गया है। ये सेंसर गाड़ी के अगले शीशे पर लगाया जाएगा, जो चालक की आंखों को नींद आने पर स्कैन कर अलार्म देगा। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया विधानसभा का घेराव, पुलिस के साथ धक्का मुक्की। हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस ने सोमवार को विधानसभा का घेराव किया। इस दौरान युवा कांग्रेस कार्यकर्ता बैरिकेड्स पर चढ़कर प्रदर्शन करने लगे। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई। हिमाचल युवा कांग्रेस की प्रदेश सरकार के खिलाफ आयोजित रैली में नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि राज्य में जयराम सरकार की विदाई तय है, बेरोजगार सरकार का तख्ता पलट करेंगे। पर्यटन कारोबारियों की उम्मीदों पर फेरा पानी, सैलानियों ने होल्ड करवाई एडवांस बुकिंग। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से हिमाचल प्रदेश के विदेशी पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। 2 साल बाद पर्यटन कारोबारियों को विदेशों से सैलानियों की आमद शुरू होने की उम्मीद थी, लेकिन युद्ध के कारण पैदा हुए हालातों में सैलानियों ने एडवांस बुकिंग होल्ड करवानी शुरू कर दी है। रेलवे को हराकर हिमाचल की बेटियां बनी कबड्डी की सरताज। हिमाचल की बेटियों ने नेशनल कबड्डी का खिताब अपने नाम कर लिया। रोमांचक मुकाबले में हिमाचल ने रेलवे की टीम को 33-31 के नजदीकी अंतर से हराया। कप्तान प्रियंका नेगी की अगुवाई में हिमाचल ने रेलवे से पिछले फाइनल में मिली हार का हिसाब बराबर कर लिया। हरियाणा के चरखी दादरी में 68वीं राष्ट्रीय प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में हिमाचल ने शुरुआत से पकड़ कायम रखी। नैना देवी रोपवे निर्माण के लिए नहीं आए निवेशक, शर्तों में होगा बदलाव। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि नैना देवी आनंदपुर साहिब रोपवे निर्माण को नया तकनीकी सलाहकार नियुक्त किया जाएगा। जनवरी 2022 को पंजाब और हिमाचल की संयुक्त कमेटी की बैठक में ये फैसला लिया गया। उन्होंने कहा कि टेंडर प्रक्रिया में निवेशकों के न आने से मामला लटका हुआ है। मिल्कपेड ने 2 रुपए बढ़ाए दूध के दाम, उपभोक्ताओं को जेब करनी होगी ढीली। अमूल और वेरका के बाद अब मिल्कफेड ने भी प्रति लीटर दूध के दाम 2 रुपए बढ़ा दिए। मिल्कफेड का खुला दूध पहले 40 रुपए प्रति लीटर था, जो अब 42 रुपए में मिलेगा। आधा लीटर दूध का पैकेट 25 के बजाय 26 रुपए में मिलेगा। सीएम जयराम बोले, हुड़दंगबाजी करने वाले कर्मचारियों की बात सुनेंगे, जरूरी नहीं उसे माना जाए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दो टूक कहा कि यदि कोई कर्मचारी संगठन हुड़दंगबाजी करेगा तो उनकी बात को सुना जा सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि माना जाए। उन्होंने एनपीएस कर्मियों के बीते दिनों किए गए प्रदर्शन को लेकर ये बात कही। जूनियर हैंडबॉल प्रतियोगिता, हिमाचल की प्रियंका ठाकुर की कप्तानी में एशियन चैंपियन बनी भारतीय टीम। भारत की जूनियर महिला हैंडबॉल टीम ने इतिहास रच दिया। कजाकिस्तान में 16वीं जूनियर एशियन हैंडबॉल प्रतियोगिता के आखिरी मुकाबले भारत ने थाईलैंड को 41-18 के बड़े अंतर से हराया। भारतीय टीम में कप्तान प्रियंका ठाकुर सहित 5 खिलाड़ी हिमाचल से थे। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने पहली बार विश्व कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। 4 दिनों तक मौसम साफ, दिन के साथ अब रात भी चढ़ने लगा प्रदेश में पारा। हिमाचल प्रदेश में दिन के साथ अब रात का पारा भी चढ़ने लगा। रविवार रात को धर्मशाला में सबसे अधिक 15.2 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के सभी क्षेत्रों में सोमवार को धूप खिली। 18 मार्च तक प्रदेश में मौसम साफ बना रहने का पूर्वानुमान है। नहीं थम रहा कोरोना का प्रकोप, चंबा में 15 साल की किशोरी की मौत।
कोरोना का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा, अब ये वायरस जानलेवा बना हुआ है। सोमवार को जिला चंबा में कोरोना संक्रमित एक किशोरी की मौत हो गई। किशोरी ने मेडिकल कॉलेज और अस्पताल चंबा में उपचार के दौरान दम तोड़ा। इसके साथ ही जिले में कोरोना से मरने वालों की संख्या 170 पहुंच गई। चंबा सदर तहसील के धारटा गांव की 15 साल की किशोरी को रविवार को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज चंबा लाया गया। हार में बाइक और ट्रक की टक्कर में पीडब्ल्यूडी के जेई की मौत, वर्क इंस्पेक्टर घायल। जवाली नगरोटा सूर्या मार्ग पर मोटरसाइकिल व ट्रक के बीच टक्कर हुई, इसमें बाइक चालक की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार जवाली उपमंडल के अंतर्गत हार नामक स्थान पर मोटरसाइकिल नंबर HP 5477-29 व ट्रक HP 1520-7011 की टक्कर होने से मोटरसाइकिल सवार की मौत हो गई। करसोग में झोलाछाप डॉक्टर धड़ल्ले से करे नशे की दवाइयों का व्यापार। करसोग में नशे का व्यापार धीरे धीरे अपने पांव पसार रहा है। युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति का आज एक साक्ष्य सामने है। करसोग के एक स्थानीय ट्रक ड्राइवर द्वारा मीडिया को एक वीडियो बयान जारी करते हुए बताया गया कि करसोग में झोलाछाप डॉक्टर युवाओं को नशे का शिकार बना रहे हैं। सड़क पर कार खड़ी कर छात्रा के साथ अश्लील हरकतें करने लगा व्यक्ति, पुलिस ने लिया हिरासत में। सोलन जिले के पुलिस थाना धर्मपुर के अंतर्गत सुबाथू रोड पर एक स्कूल जा रही नाबालिग के साथ अश्लील हरकतें करने पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर हमीरपुर निवासी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 16 वर्षीय स्कूली छात्रा ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वो हर रोज की तरह स्कूल जाने के लिए गांव ध्याड़ी नजदीक होटल द रॉयल आर्क के पास बस का इंतजार कर रही थी। अचानक एक कार उसके पास आकर रुकी और युवक उसमें से निकलकर उसके सामने अश्लील हरकतें करने लगा। कांग्रेस को झटका, आम आदमी पार्टी के हुए प्रदेश सचिव धर्मपाल चौहान। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के दिल्ली लौटते ही आम आदमी पार्टी ने प्रदेश कांग्रेस को पहला झटका दे दिया। नालागढ़ विस क्षेत्र से संबंध रखने वाले प्रदेश कांग्रेस सचिव धर्मपाल चौहान ने आपका दामन थाम लिया। चौहान ने प्रदेश कांग्रेस सचिव के पद से त्यागपत्र देकर आपकी सदस्यता ग्रहण की है। जीवीके कंपनी के पे रोल वाले पात्र एम्बुलेंस कर्मियों की जारी रहेगी नौकरी। मंत्री राजीव सैजल ने कहा है कि जीवीके कंपनी के पे रोल वाले सभी पात्र एम्बुलेंस कर्मियों की नौकरी जारी रहेगी। 15 जनवरी से नई कंपनी ने काम करना शुरू कर दिया है। जिन एम्बुलेंस कर्मियों पर गंभीर आरोप नहीं है उनकी नौकरी को जारी रखने की नई कंपनी ने सैद्धांतिक सहमति दी। मंत्री ने कहा कि आउटसोर्स पर कार्यरत महिला कर्मियों को मातृत्व तो अवकाश देने पर सरकार विचार करेगी। सोमवार को प्रश्नकाल के दौरान माकपा विधायक राकेश सिंघा ने 102 और 108 एम्बुलेंस कर्मियों का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि आउटसोर्स कर्मियों का कंपनीज गला तक घोट देती हैं। इन पर लगाम लगाना जरूरी है। उन्होंने सरकार को प्रमुख नियोक्ता बनाने की मांग रखी। तो ये थी हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।